अस्सलाम वालेकुम दुनिया का आखिरी स्मार्ट लड़का फिर आपके सामने हाजिर है। आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है यार। और मैं सो गया था, मैं सोया हुआ था और मुझे शो में जाना था, मुझे याद नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि अभी मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल करके उठा दिया, वरना मैं तो आज मतलब सो ही जाता तो शो आज से निकल जाता। तो चलें, मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैं निकलता हूँ, फिर मैं अपना पहले वहाँ क्या कहते हैं गली में जाऊँ, वहाँ जाके साथ में लूँ, क्योंकि अकेला मैं जाता नहीं हूँ यार। वहाँ जाके किसी ना एक को साथ में लूँ, फिर उसके बाद जो है शो पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो वेट कीजिए यार। अस्सलाम वालेकुम दुनिया का आखिरी स्मार्ट लड़का फिर आपके सामने हाजिर है, क्योंकि आज दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। कल का ब्लॉग जो है वो मैंने आधा ही किया किसी मजबूरी की वजह से, क्योंकि यार अपना जो शो था उसका ऑर्गेनाइज़र जो था वो मैं खुद था और मेरा पार्टनर था आसिफ नवाज़, तो वहाँ पे कुछ मसरूफियात थी, तो इस वजह से मैं पूरा ब्लॉग नहीं कर पाया था। मैंने एक इंट्रो मैंने शूट किया, फिर वहाँ के दो तीन क्लिप जो है वो बैंड के और सिंगर्स के मैंने लिए बस, क्योंकि हम लोग जो है यार वो शो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बैंड का जो सिस्टम होता है पूरा, जो कीबोर्ड और ड्रम वगैरह लगते हैं ये, और आर्टिस्ट अरेंज करना, तो ये भी हम करते हैं और ख़ुद भी परफॉर्म भी करते हैं हम लोग। तो यही था एक पूरा सा अरेंजमेंट, तो उस वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं कर पाया था, थोड़ी वहाँ पे मसरूफियात थी। सबको जाहिर सी बात है मुँह देना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था। उसके बाद जो है मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया था, तो मैं जब वहाँ से फ्री हुआ था तो एक दोस्त के यहाँ पे था, मैं वहाँ थोड़ी देर सो गया था, फिर सुबह घर आया था मैं। तो अभी मैं उठा था थोड़ी देर पहले, फ्रेश व्रेश हुआ, नाश्ता वाश्ता किया, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही सो गया था यार। आखिर मैंने बाल भी जो है मतलब नहीं अपना धोए थे, मैंने स्प्रे लगा हुआ है बालों पर, तो अभी मैं ये सर भी धोऊँगा, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा। चलें वेट करें, मैं सर धो के आऊँ फिर बात करना। हाँ जी, तो मैंने जो है वो सर धो लिया, क्योंकि यार बाल कमज़ोर हो जाते हैं, वैसे ही आपके भाई के बाल जा रहे हैं, देख रहे हैं आप।
तो ये है कि ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये आपको भी अगर कभी करवाना हो तो उसका नंबर जो है मैं अपने पार्टनर का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये है कि उसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हम आपको जो है वो इवेंट जो है आपका अरेंजमेंट कर देंगे, जिसमें साउंड नहीं होता, आर्टिस्ट अरेंज करते हैं हम, और बैंड वगैरह मतलब कीबोर्ड और ड्रम वगैरह ये अरेंज आपको करके दे देंगे, और बस। तो अभी ये है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खाने पीने चलते हैं, तो अभी मगरिब होने वाली है, तो मगरिब के बाद देखते हैं, तो चलें वेट करें जब तक, मगरिब के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ स्कॉलर पिज़्ज़ा पे, और अभी एक लज़ानिया का ऑर्डर दिया हुआ है पार्सल, घर के लिए ले रहा हूँ, तो ये पर्ची देख रहे हैं आप, ये पर्ची आ गई है, वो ऑर्डर अपना जो है वो तैयार हो रहा है, तो ये आप देख रहे हैं भाई का, ये पीछे पूरा बना हुआ है रेस्टोरेंट, बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये 24 की मार्केट पे ही है, मेन रोड पर बाहर जब आप आते हैं तो स्वाद बेकरी से आप जब बाहर निकलते रोड पे तो सीधा आप टर्न मारेंगे तो वन वे पे आ जाएगा, तो बड़ा अच्छा मतलब बना हुआ ये रेस्टोरेंट। तो चलें अभी पिज़्ज़ा बनता है, उसके बाद देखते हैं क्या है, सॉरी लज़ानिया, पिज़्ज़ा नहीं है वो, लज़ानिया, तो चलें देखते हैं। हाँ जी, तो हमारा ऑर्डर जो है वो मिल चुका है, ये देख रहे हैं आप, तो अभी चलें, कामरान भाई को भी हमने बुलाया भाई है, तो मुझे मालूम नहीं था यार यहाँ का, तो मैंने कामरान को बुलाया था, तो अभी चलें, हो गया अपना ऑर्डर, तो हम चलते हैं घर, उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं अभी घर में एंटर हुआ, ले आया मैं, पहले मैं वॉशरूम से आऊँ उसके बाद फिर बात करूँगा यार, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है, हिल लाऊँ मैं, तो चले वॉशरूम से आगे बात करता हूँ। हाँ जी, तो ये ले आया हूँ मैं, ये देखा आपने, और बड़ा यूनिक लग रहा है यार, और क्या कहते हैं, बाइक पे सिंगल था यार, तो उसकी डैमेज हो गई है थोड़ी चीज़ें, तो चलें ट्राई करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो वो जो है हमने लज़ानिया जो है वो खा लिया, ट्राई किया, बड़ा अच्छा था यार, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा था, हाँ फैमिली ने भी खाया, मैंने भी खाया, बड़ा अच्छा लगा फैमिली को भी मुझे भी, तो यही था एक छोटा सा व्लॉग, और अपना ऑर्गेनाइज हम करते हैं, उसका नंबर जो है वो मैं लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, तो आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको शो ऑर्गेनाइज़ करवाना हो, तो चलें यही था एक छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।